हे गाइस, वेलकम टू कंप्लीट यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ ओपन वर्ल्ड गेम्स के बारे में। एंड मैंने कुछ दिन पहले एक पोल किया था, इस पोल के अंदर भाई आप लोगों ने इतनी ज़्यादा वोट किया ओपन वर्ल्ड गेम्स को, तो मेरे को समझ में आ चुका है कि आप में से काफ़ी सारे बंदे ओपन वर्ल्ड गेम को कितनी ज़्यादा पसंद करते हो। तो भाई चलो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो के अंदर जो गेम बताने वाला हूँ, सारे गेम का जो लिंक है वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। एंड इस वीडियो के अंदर मैं कुछ अलग अलग टाइप की गेम बताने वाला हूँ, जैसे कि स्पाइडरमैन गेम, सर्वाइवल गेम, कार ड्राइविंग गेम और भी काफ़ी सारे टाइप की गेम बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को इंटरेस्ट जरूर से देख लेना और अच्छी लगती है लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और भी देखने के लिए। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। सो गाइस हमारे लिस्ट पर नंबर 5 पहुंच चुकी है, और इसका नाम है रेसिंग मास्टर। दोस्तों अगर आपको एक हाई ग्राफिक्स कार ड्राइविंग गेम खेलना है तो गाइस आप लोग इस गेम को ट्राई कर सकते हो। इस गेम का साइज बहुत ही ज़्यादा होने वाली है, 3 GB के आसपास गेम का साइज होने वाली है। गेम जो है ना पूरी तरीके से ऑनलाइन भी है, लेकिन जो गेम का ग्राफिक्स है ना आपको अल्ट्रा एच डी ग्राफिक्स देने को मिल जाएगा। ऐसा लगेगा कि आप GTA 5 को मोबाइल फ़ोन पर खेल लो, ऐसा फीलिंग आपको आने वाली है, ठीक है। एंड दोस्तों यहाँ पर आप काफ़ी सारे मोड को खेल सकते हो, जैसे कि कैरियर मोड, फ्री राइड, पार्किंग मोड और रेसिंग मोड को भी खेल सकते हो। मतलब रियल प्लेयर के साथ यहाँ पर रेसिंग मोड को भी खेल सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन आपको देखने को मिल जाती है, अलग अलग सिटी आपको देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों यहाँ पर अलग अलग कैमरे एंगल से जो कार उसको चला सकते हो, मतलब अंदर से भी चला सकते हो, बाहर से भी चला सकते हो। स्टेयरिंग व्हील, टील्ट एंड बटन कंट्रोल आपको देखने को मिल जाएगा। ये तीनों कंट्रोल आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो, खेल सकते हो। तो वर्ल्ड जो गेम है काफी बढ़िया है, चाहो तो एक बार ट्राई कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नंबर 4 गेम के बारे में। तो नंबर 4 पर जो गेम हमारे इसके में कार ड्राइविंग ऑनलाइन। दोस्तों ये जो है ना बेसिकली एक ओपन वर्ल्ड कार ड्राइविंग गेम होने वाला है। अगर आपको एक ओपन वर्ल्ड कार ड्राइविंग गेम खेलना है तो गाइस आप लोग इस गेम को ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास ना इंडियन लोकेशन होने वाली है, मतलब जयपुर, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु और भी काफ़ी सारे इंडियन सिटी आपको देखने को मिल जाती है। एंड गाइस देखो यहाँ पर आपको इंडियन गेट भी देखने को मिल रहा है, तो ये चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगा। यहाँ पर कार से आप उतर भी सकते हो, साइड पर आप इधर उधर घूम सकते हो कार को लेकर। एंड यहाँ पर काफ़ी सारे कार आपको देखने को मिल जाएगा जिसको फुल कस्टमाइज भी कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपके पास टोटल 5 कैरेक्टर होने वाले जिसको फुल कस्टमाइज भी कर सकते हो, ठीक है। एंड गाइस देखो यहाँ पर जो मिशन होती है ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। आप मिशन को यहाँ पर कंप्लीट करोगे एंड उसके बदले आपके पास पैसे आएंगे, उसी पैसे दोस्तों यहाँ पर न्यू कार को खरीद सकते हो। एंड यहाँ पर जो सिटी है मैंने आपको बता दिया, जयपुर, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर और भी काफ़ी सारे जो इंडियन सिटी है पॉपुलर सिटी, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी मज़ेदार गेम ये होने वाला है, डिसेंट ग्राफिक्स देखने को मिलता है। इतना अच्छा ग्राफिक्स नहीं बोलूंगा लेकिन ठीक ठाक ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं इस गेम की साइज के बारे में, तो साइज होने वाली है 200 MB। जो गेम है पूरी तरीके से ऑफलाइन है, तो बस आप डाउनलोड करो, उसके बाद आप जितना चाहो उतना खेल सकते हो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नंबर 3 गेम के बारे में। तो नंबर 3 पर जो गेम है इसके नाम है स्पाइडरमैन फैनमेड। जी हां गाइस, स्पाइडरमैन गेम के बारे में सब लोगों को पता होगा। एंड मेरे पास काफ़ी टाइम से कमेंट भी आ रहा था कि भाई कुछ स्पाइडरमैन गेम लेकर आओ। तो गाइस सब लोगों को पता होगा आर यूज़र गेम जो है ना स्पाइडरमैन गेम जो है ना बहुत अच्छी तरीके से बनाते हैं। तो फाइनली एक न्यू गेम यहाँ पर रिलीज़ हो चुका है। इस गेम का साइज 400 MB के आसपास होने वाली, जो गेम है पूरी तरीके से ऑफलाइन है। इस गेम को जो ग्राफिक्स है ना आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्पाइडरमैन देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको आयरन मैन और भी सारे बैटमैन, जो और भी जो हीरोज होती है ना स्पाइडरमैन की जैसा, वो सारे के सारे हीरोज आपको देखने को मिल जाएगा। इस गेम के अंदर आप लोग जंप कर सकते हो, अलग अलग मूवमेंट कर सकते हो, फाइटिंग कर सकते हो। एंड यहाँ पर ना भाई एक मिशन आपको देखने को मिल जाती है। एंड हो सकता है कि आने वाले टाइम पर काफ़ी सारे मिशन यहाँ पर ऐड हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी तक तो भाई सिर्फ और सिर्फ एक मिशन मेरे को देखने को मिला है जो मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। एंड जो ग्राफिक्स है मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंड यहाँ पर जो वाटर होती है ना, वाटर के अंदर आप यहाँ पर स्विमिंग भी कर सकते हो, तो भाई और क्या चाहिए, ठीक है। स्मूथ गेम प्ले चलता है, कोई भी लैग वगैरह नहीं करता है। अगर आपके पास 2 GB की डिवाइस है तो कुछ आराम से डाउनलोड करो, खेलो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो जाओ तो एक बार ट्राई कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नंबर 2 गेम के बारे में। तो नंबर 2 पर जो गेम है इसके नाम है फोरसेकेंड वर्ल्ड। दोस्तों ये जो है ना बेसिकली एक MMORPG गेम होने वाली है। अगर आपको एक RPG फाइटिंग गेम खेलना है तो गाइस आप लोग इस गेम को ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि आप एक गॉड हो, ठीक है, गॉड वर्सेस डेमोन, मतलब जो शैतान होती है ना उसके साथ यहाँ पर आपको फाइटिंग करना पड़ता है। यहाँ पर एक स्टोरी मोड आपको देखने को मिल जाएगा, एक बहुत ही बढ़िया ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिल जाएगा। इस ओपन वर्ल्ड मैप के अंदर आप एक्सप्लोर कर रहे हो, सामने जो भी डेमोन्स वगैरह आपको देखने को मिल रहा है उसके साथ यहाँ पर आप फाइटिंग कर रहे हो, ठीक है। कार्ड्स एंड एनिमी
एनिमेशन वगैरह आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। एंड जो डेमॉन्स होती है ना भाई, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस आपको देखने को मिल जाएगा। अलग अलग क्रिएचर्स वगैरह आपको देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर बेसिकली आपको तीन कैरेक्टर देखने को मिल जाएगा। इनमें से आप कोई भी कैरेक्टर चूज कर सकते हो, फुल कस्टमाइज कर सकते हो, मतलब ए टू जेड कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पर जो है ना फेस वगैरह होती है, जो हेयर होती है, सब कुछ यहाँ पर आप कस्टमाइज कर सकते हो। एंड गेम का जो ग्राफिक्स है ना, मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा। अल्ट्रा एच डी ग्राफिक्स आप लोग देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं इस गेम की साइज के बारे में, तो साइज होने वाली है 1.1 GB। जो गेम है पूरी तरीके से ऑफलाइन है, इसको आप लोग ऑनलाइन पे भी खेल सकते हो। तो ओवरऑल जो गेम है काफी बढ़िया है, चाहो तो एक बार ट्राई करना, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। सो गाइस अब बात करते हैं नंबर वन गेम के बारे में। तो नंबर वन पर जो गेम है इसका नेम है क्रिसिस एक्स लास्ट सर्वाइवल। दोस्तों अगर आप एक सर्वाइवल गेम खेलना है भी हाई ग्राफिक्स के साथ, तो गाइस आप लोग इस गेम को ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर एक बिग ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिल जाएगा। बेसिकली आपको सर्वाइव करना पड़ता है। देखो यहाँ पर काफी सारे एनिमल को आप किल कर सकते हो, आप खुद के लिए शेल्टर बना सकते हो। एंड जो शेल्टर होता है ना भाई, सच में एक रियल हाउस आपको देखने को मिल जाएगा। एंड जो ग्राफिक्स है ना गेम का भाई, कमाल की ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। काफी अच्छा रियलिस्टिक ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस देखो ये जो गेम है ना, मेरे को लगता है कि लास्ट आइलैंड का सर्वाइवल करके गेम आया था, जो कि प्ले स्टोर के अंदर है। एंड काफी ज्यादा पॉपुलर भी होता, मेरे को ऐसा लगता है कि उस गेम के जैसा ये गेम होने वाला ना, सेम टू सेम कॉपी आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप एनिमल को किल कर रहे हो, काफी सारे फूड कलेक्ट कर रहे हो, एंड यहाँ पर आप सर्वाइव कर रहे हो। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर होने वाली है। एंड यहाँ पर ज़ॉम्बी भी आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ एनिमल को किल कर रहे हो, यहाँ पर ज़ॉम्बीज वगैरह आपको देखने को मिल जाती है, उसके साथ भी आपको फाइटिंग करना पड़ता है। तो काफी बढ़िया गेम है। बात करते हैं इस गेम की साइज के बारे में, तो साइज होने वाली है 400 MB। जो गेम है पूरी तरीके से ऑनलाइन है, चाहो तो एक बार ट्राई कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। सो गाइस अब बात करते हैं बोनस गेम के बारे में, तो इस गेम का नेम है माइनक्राफ्ट। दोस्तों इस गेम के बारे में सभी लोगों को पता है, इस गेम के बारे में ज्यादा कुछ बोलने को है नहीं, बस बताना है कि डाउनलोड कैसे करें, फ्री में कैसे डाउनलोड करें। तो भाई देखो, अगर आपको फ्री में डाउनलोड करना है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट सेक्शन पे एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग इस गेम को बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलो गाइस इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। होप करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ चुका है। अगर पसंद आया तो भाई एक लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और भी देखने के लिए। तो चलो गाइस मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अच्छे रहना, ख्याल रखना, बाय बाय।